नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे मासिक दुर्गाष्टमी के व्रत के बारे में, जो जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला व्रत है, सुख शांति देने वाला व्रत है। जो भी दुर्गाष्टमी का व्रत करता है तो दो बातें उसके जीवन में अवश्य घटित होती हैं। पहला, धन वैभव की उसे प्राप्ति होती है, और दूसरा, दाम्पत्य जीवन उसका खुशहाल होता है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। और साथ ही जिन लोगों को विवाह में कोई भी अड़चन आ रही है, वो उनकी अड़चन दूर होती है और उपयुक्त जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दुर्गाष्टमी के व्रत में माँ दुर्गा के माँ महागौरी स्वरूप की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जो धन वैभव की देवी हैं, सुख शांति की देवी हैं। इसके अलावा संतान संबंधी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए और रोग से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की कृपा से जो भी मनोकामना लेकर इस व्रत को किया जाता है, वो मनोकामना माँ की कृपा से पूर्ण होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गाष्टमी के व्रत की विधि के बारे में, किन नियमों का आज के दिन पालन करना चाहिए व्रत में, किस विशेष पूजन को माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए और किस मंत्र का जाप करना चाहिए, साथ ही व्रत में क्या आहार लेना है, सारी जानकारी के ऊपर आज हम बात करते हैं। मासिक दुर्गाष्टमी हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पड़ती है। अष्टमी तिथि बहुत ही शुभ फलदायी होती है और इस दिन माँ दुर्गा का व्रत और पूजन जो भी करता है तो उसे माँ सभी सुखों को प्रदान करती है। और आज के दिन दुर्गाष्टमी में माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है, जो स्वरूप 8 वर्ष की कन्या का है। और माँ भगवती के माँ गौरी स्वरूप का पूजन करने से धन और स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख शांति आती है। तो जानते हैं अष्टमी के व्रत में, दुर्गाष्टमी के व्रत में क्या विधि का हमें पालन करना चाहिए, क्या विशेष नियमों का हमें पालन करना चाहिए, और इसके बाद जानेंगे क्या विशेष पूजन आज के दिन करना चाहिए। तो आज के दिन सुबह जल्दी उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण कर लें। लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने तो बहुत उत्तम है, माँ के प्रिय रंग हैं ये। पूरे वस्त्र लाल या गुलाबी रंग के नहीं पहन सकते हैं तो कोई शॉल या चुनरी लाल रंग की जरूर पहन के माँ का पूजन इस दिन आपको करना चाहिए। तो सर्वप्रथम संकल्प ले लें, ये व्रत कम से कम 1 साल करने का संकल्प तो आपको लेना ही चाहिए, और अधिक लंबे समय के लिए अगर आप ये व्रत ले सकते हैं तो उसका संकल्प आप ले लें। अर्थात जितने समय का आप ये व्रत कर रहे हैं उसका संकल्प माँ के आगे लेना है। माँ दुर्गा के आगे बैठकर उनके महागौरी स्वरूप का ध्यान करते हुए आपको संकल्प लेना है। कोई विशेष मनोकामना के लिए आप व्रत कर रहे हैं तो वो मनोकामना माँ को बतानी है। निर्विघ्न ये व्रत आपके संपूर्ण हो ऐसा माँ से प्रार्थना करनी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करनी है, और उसके बाद भूल चूक की क्षमा याचना आपको जरूर करनी है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको ये संकल्प विधि जरूर करनी चाहिए। अब व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इसके ऊपर अगर बात करते हैं, तो अष्टमी के व्रत में, दुर्गाष्टमी के व्रत में अगर आप फलाहार लेते हैं सिर्फ, तो ये सर्वोत्तम होता है। सुबह माँ के पूजन के बाद आप फल ले लें, और उसके बाद 2-3 बार दिन में आप फलाहार ले सकते हैं, साथ में दूध चाय आदि का आप सेवन कर सकते हैं। मूंगफली आप ले सकते हैं, मूंगफली को भूनकर आप ले सकते हैं, और इससे पेट भरावा भी रहता है और जल्दी भूख नहीं लगती। अब जो लोग पूरे दिन भर फलाहार पर नहीं रह सकते हैं तो शाम के पूजन के बाद एक समय भोजन कर ले। अब भोजन में क्या करना है आपको, तो उसमें भी आपको अन्न का सेवन नहीं करना है, नमक नहीं लेना है। अगर बिना नमक के आपका नहीं चल सकता है, नहीं हो पा रहा है, तो सेंधा नमक का आपको प्रयोग करना है। तो जिस प्रकार से नवरात्रि के हम लोग व्रत लेते हैं, जो प्रकट नवरात्रि होती है उसमें जो व्रत के नियम हैं, उसी प्रकार इसमें भी हैं कि अगर आप सेंधा नमक का यूज़ कर रहे हैं तो कोटू के आटे की आप रोटी या पराठे पूरी आदि बना लें, साथ में आलू की सब्जी आप प्रयोग कर सकते हैं, समा के चावलों की खीर बना लें, सिंघाड़े के आटे का आप प्रयोग इसमें कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो भी आप खाना बनाएं वो देसी घी में, गाय के देसी घी में आपको बनाना चाहिए, और अगर देसी घी में नहीं बना पा रहे हैं तो मीठे तेल का प्रयोग करें। यदि कोई दवाई ले रहे हैं तो दवाई ले सकते हैं। कई लोगों का ये संशय होता है कि दवाई से कहीं व्रत खंडित नहीं हो जाए, तो दवाई से व्रत खंडित नहीं होता है, तो निसंकोच आप अपनी दवाई इस दिन ले सकते हैं। और संध्या काल में जो भी आहार आप ग्रहण करेंगे शाम की पूजा के बाद, तो सर्वप्रथम वो माँ को अर्पित करेंगे, तत्पश्चात आप उस आहार को ग्रहण करेंगे।
अब बात करते हैं कि पूजन विधि क्या होनी चाहिए। तो माँ के महागौरी स्वरूप का पूजन आपको करना है, और तस्वीर नहीं है महागौरी स्वरूप की, तो माँ दुर्गा के जो तस्वीर या मूर्ति आपके घर के मंदिर में है उसी का पूजन करें। मन में महागौरी स्वरूप का ध्यान करते हुए पंचोपचार पूजन आपको करना है माँ का। धूप दीप अक्षत पुष्प नैवेद्य माँ को अर्पित करें। गुड़हल लाल गुलाब कमल आदि के पुष्प यदि आप मैनेज कर सकते हैं, उनका प्रबंध कर सकते हैं, तो जरूर माँ को चढ़ाएं, माँ को बहुत प्रिय हैं। नैवेद्य में खीर का भोग आप माँ को लगाएं। इसके अलावा लौंग और बताशे माँ को आप चढ़ाएं, दो लौंग और दो बताशे पान के पत्ते में रखकर अगर आज के दिन आप माँ को भोग देते हैं तो माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा सामर्थ्य अनुसार फल आप दें, सूखे मेवे माँ को अर्पित करें। जो दीपक आप जलाएंगे वो देसी घी का दीपक जलाएं या फिर तिल के तेल का दीपक आपको माँ को समर्पित करना है। माँ के मूल मंत्र का जाप करेंगे, ओम देवी महागौर्यै नमः। इस मंत्र का अधिकतम जप करें। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अधिकतम जप आपको करना चाहिए। पाठ की हम बात करें तो दुर्गा सप्तशती में वर्णित विभिन्न पाठ हैं जो माँ की प्रसन्नता के लिए हैं, तो इसमें दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें, देवी कवच अर्गला और कीलक का पाठ जरूर करें। आज के दिन देवी अथर्वशीष का पाठ यदि आप करते हैं तो बहुत ही फलदायक होता है। धन संपत्ति के अलावा दोस्तों आज का जो ये व्रत है और माँ महागौरी का जो ये पूजन है, उनके स्वरूप का जो पूजन है, ये दाम्पत्य जीवन में बहुत खुशहाली लेके आता है, क्योंकि देवी महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसके अलावा रामायण में उल्लेख है कि माँ सीता ने श्री राम को पति के रूप में पाने के लिए माँ गौरी का व्रत और पूजन किया था। तो इसीलिए जो भी बहनें आज के दिन माँ गौरी के स्वरूप का पूजन करती हैं, व्रत उनके निमित्त रखती हैं, तो अवश्य ही खुशहाल दाम्पत्य जीवन की उन्हें प्राप्ति होती है और विवाह संबंधी जो भी बाधाएं हैं विवाह होने में वो लोगों की दूर होती हैं और अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आज के दिन कन्या पूजन अवश्य करना है। 1-3-5 कन्या को भोजन कराएं, यथाशक्ति उन्हें भेंट दें। माँ के मंदिर में लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। सामने स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही है, ओम क्रीम कालिकाए नमः के चमत्कारी प्रभावों के ऊपर एरो को क्लिक कर लें, वीडियो को जरूर देखें। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। माँ गौरी माँ भगवती आप सब पर कृपा करें और आपकी समस्त कष्टों को हरें और आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी, जय बजरंगबली।